जय हिंद फ्रेंड्स। इलेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी चल रही थी और उसमें हमने लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट किया था। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक लेक्चर हो भी गया था और उसमें हमने ये देखा कि लिमिट की क्या डिफिनीशन है और कब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कब कहेंगे कि नहीं कर रही है। ठीक, अब लिमिट अगर हम समझ में आ गया हमें तो हम उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या कहलाता है? डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, इज डिनोटेड बाय, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स लिखते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे ये लिखा है 24, इसका मतलब ये हुआ कि x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी, एफ एक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एफ एक्स को। और एफ एक्स को कभी कभार लिख देते हैं y, और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को लिखते हैं एफ डैश एक्स, या कभी कभार इसको ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये डिफिनीशन है इसकी। कंडीशन ये है, इसमें कंडीशन यहां पर ये लिखिएगा कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कभी भी उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। और लिमिट एग्जिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम बोलेंगे क्या कि लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, एच एक स्मॉल पॉइंट है, वो क्या हो रहा है, जीरो की ओर टेंड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है ये जान लेते हैं। इसका मतलब ये है, सपोज एफ एक्स ये है, कोई भी ग्राफ हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लेना है, किसी एक्स पर इसकी वैल्यू है एफ एक्स, फिर एक्स से थोड़ा बढ़े तो ये एक पॉइंट आ गया एक्स प्लस एच, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स प्लस एच। अगर मैं एक टेंजेंट यहां से ड्रा करूं ऐसे, और इस एंगल को मानता हूं साई मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, जैसी आपकी मर्जी, साई मानिए या थीटा मानिए, अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यही होगा ना, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई, सॉरी एफ एक्स प्लस एच, क्यों, क्योंकि ये लंबाई है एफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई बेस एक्स प्लस एच। अब ध्यान से देखिए जरा, डिफिनीशन क्या लिखी थी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये क्या बता रहा है कि एक्स एच टेंडिंग टू जीरो है, मतलब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है एक्स की तरफ, तो इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर, यही तो बनेगा ना। इसमें से टोटल में से हमने इसको घटा दिया एफ एक्स को, तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ, और टोटल एक्स प्लस एच ये है, इसमें से हमने इतना घटा दिया तो ये क्या मिल गया बेस, जो एंगल ये होगा वही ये होगा। तो एफ डैश एक्स किसको डिनोट करता है, टैन थीटा को या टैन साई को, जहां पर साई क्या है एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी अगर ऐसे घूमती है तो उसके विपरीत एंगल फाई है, ये पॉजिटिव है, ठीक बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव क्या करता है एंगल का टेंजेंट देता है, जो कि एंगल का टेन थीटा, यही है ना, तो एंगल का टेंजेंट देता है, जो कि वो कर्व क्या करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाता है, कर्व नहीं बनाता, कर्व पर जो टेंजेंट खींची जाती है वो बनाती है, ठीक, स्पर्श रेखा जिसको हिंदी में आप कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का कोड ही क्या बताता है डी वाई बाई वो एफ डैश एक्स या डेरीवेटिव ऑफ एक्स या डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक, फंक्शन का डेरीवेटिव। ये तो हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया डेरिवेटिव की डिफिनीशन, और इसी डिफिनीशन को कहते हैं, इसी का एक दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, हिंदी में अवकलन का प्रथम सिद्धांत, डेरिवेटिव का मतलब अवकलन डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात, दूसरी बात लिमिट की चर्चा चल ही रही है तो एक क्वेश्चन शायद कल के लेक्चर में था, वो कुछ ऐसा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ये निकालना था, ठीक। इसका आंसर शायद मैच नहीं किया तो दोबारा मैंने इसको ट्राई किया था, तो वही आपको बताना था। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू पाई इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, जरा एक्स टेंडिंग टू वन है तो एक्स इक्वल टू वन यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा पाई इंटू जीरो, तो क्या बन गया जीरो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट है, इस पर आप वन रखिए लिमिट कुछ भी रखिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आंसर है, ठीक। अब हम डेरिवेटिव के चैप्टर पर आते हैं, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अप्लाई कीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी एच टेंडिंग टू जीरो, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, फिर एफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक, पुट कीजिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस एच यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अलग अलग कर लीजिए, साइन पाई कॉस माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स और ये वन बाई। ठीक, कोई नई बात नहीं चल रही है, इस स्टेप समझ में आ रहे हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन बाई एच, ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये लिखा है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एच लिखा ही है हटा देते हैं, कॉस एक्स प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स से एक्स कैंसिल, ये लिखा है साइन एच बाई एच, फिर लिखा है वन अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लिमिट हमें पता है, ये वैल्यू क्या होती है, वन, देख चुके हैं। एच की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा वन अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें अगर डेरिवेशन पूछे तो ऐसे ही करना है, कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल का उपयोग करके कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आप डेरिवेटिव निकालिए, प्रोसेस यही रहेगा। अगर आपको लिमिट अच्छे से आती है तब आप आगे सॉल्व करते चले जाइएगा। हमें जो यहाँ पर ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि एक का तो फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया, बाकी का मैं फार्मूला आपको लिख दूंगा और डायरेक्ट आपको यही चीज याद रखनी है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। अगर कभी भूल जाए तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, पहला फार्मूला ये है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन वो होता है n x की पावर n माइनस वन, पावर को इनटू में ले जाएंगे और क्या कर देंगे, पावर से एक माइनस कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब दोबारा करेंगे तो दो बार हो जाएगा, ठीक है, अभी हम एक ही बार समझ रहे हैं। ये तो हुआ पहला फार्मूला। दूसरा, अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो e की पावर x ही आता है, ठीक, चेंज नहीं होता। तीसरा, साइन x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो cos x आता है, अगर cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस साइन आता है। ये सब निकलेंगे उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही, बस इनको आप डायरेक्ट याद रखना फार्मूला। फिफ्थ, tan x का हमने देख लिया क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x। Thank you.
एक एक्स का, माइनस कॉट एक्स कॉस एक एक्स, ठीक, एट्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, ठीक। जब दो फंक्शन का इन टू हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूले का यूज करके इन तीनों को निकालते हैं, ठीक। सॉरी, इसका नहीं, दूसरे का, डिवीजन वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसी का इस्तेमाल करके ये 6, 7, 8 का डेरिवेशन किया जाता है, यही आता है। कभी भूल जाए तो इसी का इस्तेमाल करके कीजिएगा। सेक एक्स को क्या लिख लीजिएगा, 1 अपान कॉस एक्स, यही आ जाएगा। कॉस एक्स को क्या लिख लीजिएगा, 1 अपान साइन एक्स। कॉट एक्स को क्या लिख लीजिएगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, आपको यही मिल जाएगा। साइन एक्स को क्या लिख लीजिएगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आ जाइएगा, यही आ जाएगा। केवल ये दो याद रखिएगा, बाकी सब निकल जाएंगे, ठीक। 10 नंबर, 11 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका होता है 1 अपान एक्स, ठीक। इसका बेस ई है, जिसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक। जिसका बेस ई हो उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और जिसका बेस 10 हो उसको कहते हैं जनरल लॉगरिथम, ठीक। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक। यहां भी बेस क्या है, ई है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बेस चेंज करने का, अगर लिखा है लॉग ए लॉग बी बेस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग सी बेस बी डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस सी। ये बेस चेंज करने का फार्मूला होता है, लॉग का बेस अगर ए है उसको सी में ले जाना है तो ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक। ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। तो अभी तक के लिए ये फार्मूला सारे के सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक और फार्मूला बचा है इनवर्स का, वो इनवर्स का हम आगे बता देंगे जब इनवर्स पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एक चीज़ आपको और बतानी थी, वो ये बतानी थी कि हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके करेंगे, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है तब आप फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके लगाएंगे, अदरवाइज इन्हीं का शॉर्टकट आप इस्तेमाल कीजिएगा। 11th क्लास में अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिए, तो आप मेथड ध्यान रखिएगा, 2-4 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। बात समझ में आ गई, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लिमिट पर फुल कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आगे लिमिट काम आने वाली है, ठीक है। एक फार्मूला यहाँ पर और रह गया है, वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। खैर, ये इसी का पार्ट है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो 1 बाई एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वन, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन, माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको भूल भी गए तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लीजिएगा, ठीक। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, और इस पर फुल कमांड रखिएगा, क्योंकि आपका जो है जो क्वेश्चन है आगे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काम आएगा
वो इन्हीं पर कमांड अगर है आपकी तो काम आएगा। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल टू टेन। तो पहले इसका डेरीवेटिव निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये एक्सरसाइज है आपकी 12.2 इलेवेंथ क्लास एनसीईआरटी नई वाली। एफ डैश एक्स, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही होता है डिफरेंशिएशन। इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x। एक चीज आपको और बताना भूल गए, वहां पर ये फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा 14 नंबर में। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, कोई भी कांस्टेंट है उसका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो ये क्या हो गया 2x। ठीक, एक चीज आपको और बताना था, हाँ एक तो हमने ये देख लिया कि डेरिवेटिव क्या बताता है, tan थीटा। दूसरा हमने ये भी देख लिया डेरिवेटिव क्या बताता है कि कितना चेंज हुआ एक वेरिएबल। अगर मैं x को x प्लस h लिखता हूं तो चेंज कितना हुआ h, तो y में कितना चेंज हुआ या फंक्शन में कितना चेंज हुआ। तो ये डेरिवेटिव ये भी बताता है रेट ऑफ चेंज, ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल चेंज होता है x से x प्लस h तो फंक्शन की वैल्यू में क्या परिवर्तन आया, ये कौन बताएगा, उसका डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई, ये चेंज ही तो है, नया वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू डिवाइडेड बाई नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। h को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस h माइनस x, यही तो लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बताता है रेट ऑफ चेंज। चलिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, टू कांस्टेंट है। हमें क्या वैल्यू, किस वैल्यू पर निकालना है, एक्स इक्वल टू टेन पर, एक्स इक्वल टू टेन पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 20। ये आपका आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए उसी फार्मूले से जो फार्मूला आपको बताया गया है। एन की वैल्यू क्या है, वन, वन रखेंगे तो वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, हो जाएगा वन। तो इसका डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई वन। अब जब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा एक्स पर, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वन हो, टू हो, फोर हो, हंड्रेड हो, थाउजेंड हो, टेन थाउजेंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है वन, यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x। तो एफ एक्स की वैल्यू 99x, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 99 कांस्टेंट है और x के डिफरेंशिएशन 1, कितना हो गया 99। अब x कुछ भी हो, जब ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो बात ही खत्म, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से वही चीज, एक मैं आपको बताए दे रहा हूं, एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एच। बेसिक अगर हमारा फार्मूला क्लियर है तो बस उसी से आगे बढ़ते जाइए। क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच। 27 27 कैंसिल हो जाएंगे,
एक तरीका है कि इसको ओपन कर दीजिए, दूसरा तरीका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एच, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, आया क्या? ऊपर से h कॉमन ले लीजिए, h टेंडिंग टू जीरो, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, h स्क्वायर प्लस 3x, x प्लस h डिवाइडेड बाई एच, h से h कैंसिल, h की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 3x, x प्लस जीरो, तो क्या मिला, 3x स्क्वायर। अगर मैं उस फार्मूले से भी डिफ्रेंशिएट करता जो फार्मूला मैं पढ़ा हूँ, कौन सा, x की पावर n वाला, तो क्या लिखता, n x की पावर n माइनस वन, यही लिखता, जरा वहाँ पर लिखिए, तो x क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, कांस्टेंट है आगे, कांस्टेंट का जीरो, और यहाँ पर भी वही आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वही आया, तो किसी भी मेथड से चलिए आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आप करिएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने आपको बता दिया, a माइनस बी ए प्लस बी इंटू कर दीजिए पहले, चाहे आप u बाई यू इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए, दोनों से एक ही आंसर आएगा। अगर मैं u इंटू वी का फार्मूला लगाता हूँ तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन माइनस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन, क्योंकि एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन, तो आ गया एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो कितना हो गया, वन, कितना हो गया, वन। आप यहां से भी इसको अगर मैं इंटू कर देता हूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, यही आएगा। अच्छा, अरे सॉरी, एक फार्मूले में यहां पर प्लस होगा, फार्मूला फिर से देखिएगा, वो गलती से माइनस लग गया, तो आ जाएगा टू एक्स माइनस, यहां से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर एक ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये fx इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, x की पावर माइनस टू, x की पावर माइनस n वाला डिफिनीशन लगा दीजिए, एफ डैश एक्स माइनस टू को इनटू में लाइए, माइनस टू से एक घटा दीजिए, तो क्या हो गया, आंसर, ठीक। सिमिलरली इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बता दूं, चलिए बता देता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और यहां पर लिमिट एच टेंडिंग टू, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो क्या हो गया, x प्लस एच प्लस वन, एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई, ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, मल्टीप्लाई कीजिए, तो x प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच एच प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस, ठीक। इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एच एक्स कैंसिल, माइनस एक्स ये कैंसिल, माइनस एक्स ये कैंसिल, क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या बचा यहां पर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू एच डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस एच माइनस वन और एक्स माइनस, एच से एच कैंसिल, एच की वैल्यू रख दीजिए जीरो, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक। अगर मैं यू बाई वी फार्मूला लगाता हूं तो यहां पर इसको मान लेता हूं यू, इसको मान लेता हूं वी, यू बाई वी का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैस एक्स इज इक्वल टू, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर लिखते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही है यू बाई वी का फार्मूला। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो क्या लिखा जाएगा, एक्स माइनस वन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस वन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी वही निकलेगी जो फर्स्ट प्रिंसिपल से वैल्यू निकली है। आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कीजिए, आंसर हमेशा एक ही आएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ डैश एक्स निकालिए, फार्मूला वही इस्तेमाल कीजिए, 100 इधर आ जाएगा, एक्स की पावर 99 बचेगा, 100 ये लिखा है, 99 इधर आ जाएगा, एक्स की पावर 98 बचेगा, 2x प्लस 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो f डैश x क्या हो जाएगा, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x प्लस 1, क्या निकालना है हमें, f डैश 1, जब x की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये x की पावर 1 से लेकर 99 तक है, तो 99 तक x 1 यहां आएंगे, एक 1 ये है, तो ये कितना हो गया, 100। आगे क्या कह रहा है, एफ डैश जीरो, जरा मैं एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू जीरो रखिए, तो यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, सब जगह जीरो, केवल लास्ट में वन बचेगा, ये वाला वन। अब इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, एफ डैश वन इज 100 टाइम्स एफ डैश जीरो, बात समझ में आ गई, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमेशा वैल्यू रखना जिस पर वैल्यू निकालना है, अगर आप पहले रख दिए तो कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इस वजह से इसका ये मतलब है कि पहले एफ डैश एक्स निकालना है, पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर एक्स की वैल्यू वन रखना है, इसका क्या मतलब है कि पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर एक्स की वैल्यू जीरो रखना है, ठीक, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस दस एंड फॉर सम फिक्स्ड रियल वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल सिंपल, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, एक ये ए क्यों लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो भी इनटू में है, अगर प्लस में होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, जीरो,
ये क्या हो जाता है, n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस इसका करेंगे क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस वन एक्स का डिफरेंशिएशन वन और इसका आगे आंसर। ठीक, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव, वही u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन वन इसका जीरो माइनस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन डिवाइडेड बाई सॉरी प्लस डिवाइडेड बाई इसमें कुछ होता नहीं है तो क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस x माइनस बी तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस ए प्लस बी, यही आपका आंसर है। ठीक, देखिए आगे आप लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए, एक बार फार्मूला लगाकर देख लेते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा a x का डिफरेंशिएशन वन और इसका जीरो प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन a इंटू वन प्लस जीरो, तो क्या आया a ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी, तो कितना आ गया टू ए एक्स प्लस बी, ये आया इसका डिफरेंशिएशन, यही आएगा। अब हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका, उसको भी सीख लीजिए। इसको ये सोचिए कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या सोचिए एक्स स्क्वायर, एक्स आप चाहे कैपिटल माने ये चाहे स्मॉल, अभी अगर मैं ये स्मॉल ही मान लेता हूं तो मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो क्या लिखता टू एक्स, यही लिखता ना इन टू। अब एक्स का कीजिए डिफरेंशिएशन, अगर ये केवल एक्स होता तो एक्स का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या आता वन, लेकिन यहां पर क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा ए। अब आप x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। शॉर्टकट फिर से सोचिए, फिर से समझिए, इसको क्या मान लीजिए x लिखा है तो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, फिर x के अंदर का कीजिए इंटू में सारा कुछ होता चला जाएगा इंटू, तो x के अंदर क्या लिखा है ए एक्स प्लस बी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा ए। अब x की वैल्यू रख दीजिए तो x की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई किया है 2a से तो ये आपका आंसर है। देखिए दोनों आंसर सेम है, शॉर्टकट ज़्यादा आसान है लेकिन तभी आसान है जब आपको फुल कमांड हो। ठीक, तो अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं तो यहीं से कमांड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन को कई डिफरेंट तरीके से सोच कर करने से अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना, एक ही क्वेश्चन को कई ढंग से सोचिए, जो भी सोचना है एक्सपेरिमेंट करने पर हिट एंड ट्रायल करने में कभी भी मत डरिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या होगा गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको आपको एक ना एक सीख जरूर देकर जाएगा कि जो हम अप्रोच कर रहे थे इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कभी भी जो आप सोच रहे हैं ना उसको एक बार अप्लाई करके देखिए, उसमें आलस्य मत कीजिएगा, इफ एंड बट मत लगाइए, क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपको उतनी ही सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगी, और फिर जब भी आप पेपर या कहीं पर वो क्वेश्चन ऐसा मिलता है या कोई पूछता है तो आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं अपने आप क्या हो जाएंगी उत्तेजित हो जाएंगी, अपने आप फंक्शन करने लगेंगी कि ऐसा हमने कुछ पढ़ा है, ऐसा करके देखा है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हम इस तरीके से सॉल्व किए थे, हम उस तरीके से सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यू बाई वी, तो पहले डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया ए माइनस बी एक्स माइनस बी का, ये आपका क्या है आंसर। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम कांस्टेंट, वही चीज यू बाई वी का लगा दीजिए, बहुत ही आसान है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एन माइनस ए की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन माइनस ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया एन एक्स की पावर एन माइनस ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर, और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है तो एक्स की पावर एन कॉमन ले लीजिए एक्स की पावर एन वाला टर्म, तो ये क्या आ जाएगा इसमें से x की पावर n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस वन एक्स की पावर n, यहां पर क्या कॉमन ले लीजिए n कॉमन ले लीजिए या वो सॉरी a कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर क्या आएगा a की पावर n माइनस वन माइनस n x की पावर n माइनस, ठीक। नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस दिस, ये तो बहुत ही आसान है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया टू, इसमें यू इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस सॉरी प्लस फर्स्ट फंक्शन वो सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा फाइव कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स प्लस थ्री, एक्स का क्या होता है वन, आगे कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस थ्री, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई कीजिए तो टेन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, तीन और तीन छः, छः माइनस दस, दस और पाँच पंद्रह, माइनस फोर एक्स माइनस, ये आपका क्या है आंसर। चीज़ें बहुत ही आसान है, बस फार्मूला आपको ध्यान में रखना, इसमें भी वही फार्मूला u इंटू वी कीजिए, फर्स्ट फंक्शन f डैश x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 3x एक्स प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 प्लस 3x एक्स प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस थ्री इंटू में आ जाएगा और माइनस थ्री में से एक घट जाएगा, तो क्या हो गया थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस थ्री थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स की पावर माइनस फोर, ये आपका क्या है आंसर है।
आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको ओपन कर दीजिए, तो 3x की पावर -3 -9x की पावर -3 -15x की पावर -4 तो ये कितना हो गया -6x की पावर -3 -15x की पावर -4। बात समझ में आ गई? इसको भी सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 6, -9 इंटू में आ जाएगा और पावर से 1 घट जाएगी, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो गया 9×6=54, तो प्लस 54 एक्स की पावर ये है -10 और 5, तो -5 प्लस 3 - 6 x की पावर -9 5x4। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 15 x की पावर 4 -30 x की पावर -5 54 - 30 24 x की पावर -5 प्लस 15 x की पावर 4 ये आपका f'x है, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट वही सेम u इंटू v का फार्मूला, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसको मैं बताए दे रहा हूं, इसमें अलग अलग u बाई वी का फार्मूला लगाइए, यहां पर भी u बाई वी का फार्मूला लगाइए। पहले मैं यहां का सॉल्व कर रहा हूं, तो u बाई वी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है 0 माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस लगा, इसमें भी u बाई वी का फार्मूला, तो 3x - 1 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस न्यूमरेटर 3x - 1 का डिफरेंशिएशन 3 डिवाइडेड बाई 3x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -2x + 1 का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा 6x² - 2x -3x² डिवाइडेड बाई 3x - 1 का होल स्क्वायर। -3x² - 2x डिवाइडेड बाई 3x - 1 ये आपका आंसर। देखिए शॉर्टकट वही यूज कर रहे हैं फिर से, ये 2x लिखा है, 2y क्या लिखा है x, 1x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, -1x² तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 1x का डिफरेंशिएशन -1x² इनटू x का कीजिए, तो x+1 का करेंगे क्या आएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -2 / x+1 का होल स्क्वायर, वही आया। अगर ये शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो u बाई v का जैसे आपको यूज करना बताया है वैसे आप यूज कर सकते। ठीक, चीजों को जितना सिंप्लीफाई रखना चाहेंगे उतनी ही रहेगी, आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर u बाई v का लगाएं, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है। f'x
इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। हमें फार्मूला पता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तब भी माइनस साइन एक्स ही आएगा। देख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला। टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई, यहां पर लगा दीजिए तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाई तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू साइन एक्स प्लस एच बाई इंटू साइन माइनस एच बाई डिवाइडेड बाई एच। इस लिमिट को वन बनाना है, वन बनाने के लिए माइनस वन बाई टू से माइनस वन बाई टू, फिर यहां पर माइनस टू, माइनस टू क्यों टू माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू से भाग किए टू से माइनस टू से भाग कर दिए इसको माइनस टू से गुणा कर दिए तो ये लिमिट ये तो बन गई वन, टू से टू कैंसिल, एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन। फार्मूले को भी हमने यही बताया था कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। बहुत ही आसान, चाहें तो u बाई वी का फार्मूला, u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स। ठीक, दूसरा शॉर्टकट भी फॉलो कर सकते हैं, इसको क्या कर दीजिए दूसरा तरीका देख रहे हैं, दो से गुणा कर दीजिए दो से भाग कर दीजिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि टू साइन ए कॉस से क्या हो जाता है साइन टू ए, तो हो जाएगा साइन टू एक्स, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, इसको मान लीजिए पूरे को एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इनटू, अब एक्स के अंदर का कीजिए तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, टू से टू कैंसिल, क्या आएगा कॉस टू। आप किसी भी मेथड से जाएंगे आंसर सेम आएगा। ठीक, सेक एक्स का, सेक एक्स का डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे तो ऐसे कर दीजिए, इसको लिख दीजिए, फिर u बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए, पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि वन है, माइनस वन
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन इंटू साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या बन गया टेन, और वन बाई कॉस क्या बन गया sec. हमने फार्मूला में भी यही पढ़ा था. ठीक, नेक्स्ट अलग अलग कर लीजिए. फाइव sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस फोर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो क्या आ गया फाइव sec x tan x माइनस फोर साइन एक्स. चीजें बहुत ही आसान. cos x वही u by v का फार्मूला लगा दीजिएगा, u इसको इसको v सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा. सिमिलरली इसको भी अलग अलग कर लीजिए. थ्री cot x का माइनस cos x स्क्वायर x प्लस फाइव cos x का माइनस cot x cos x माइनस cos x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा फाइव cot x प्लस थ्री cos x, ये आपका आंसर है. ठीक, अलग अलग कर लीजिए. फाइव साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इसका जीरो, ये आपका आंसर. बहुत ही आसान है. ठीक, बस फार्मूला याद रखिएगा. अलग अलग इसको भी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा टू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा टू sec x माइनस सेवन tan x, ये आपका आंसर. ठीक, ये देखिए इसको आप ये लिख सकते हैं u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया टू साइन एक्स कॉस एक्स. इसी को आप क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स. शॉर्टकट चलते हैं, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए तो एक्स क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये लिखा है टू एक्स की वैल्यू रख दीजिए, ये वही है जो यहाँ पर लिखा. आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं. शॉर्टकट की प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आपके आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो हम ये डायरेक्ट ये सब फार्मूला लगाएंगे नहीं, फार्मूला वहीं पर लगेगा जहाँ पर फंसेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, एक्स मान करके. बस आज के लिए आपका इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस फेज में चलेंगे, फार्मूला यही रहेंगे. डिफरेंशिएशन में खाली इनवर्स का आपका बाकी है, बस बाकी सारा कुछ ओवर हो गया. फार्मूला यही रखिएगा, फार्मूला यही रहेंगे, और कितनी भी हायर स्टडी कर लेंगे यही फार्मूले डिफरेंशिएशन में काम आएंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा केवल मेथड देखने के लिए. लिमिट की प्रैक्टिस, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं करेगी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन के लिए भी और आपके सेमेस्टर और बाकी चीज़ों के लिए भी. ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए. धन्यवाद.